हाई फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू बे गुड दिस इज स्टार्ट विद दो फ्रेंड्स टूडे वे आर डिस्कस अबाउट ऑफ एयर सो आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे एंड डिवाइडन ऑफ़ एयर एक्सटर्नल एयर मिडल एयर एंड इनर एयर इसके बारे में भी जानेंगे सो वो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स फर्स्टली एयर जो है वो हेरिंग ऑर्गन होता है एयर इट इज़ अ हेयरिंग ऑर्गन एंड इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व बैलेंस in और ये बैलेंस में भी इन्वॉल्व होता है हेयर में जो सप्लाई होती है वो बेस्ट वोलर कोकलियर नर्व के थ्रू होती है बेस्ट वोलर कोकलियर नर्व जो होती है वो एट कैनियर नर्व होती है मींस जो भी जो भी साउंड होता है जो भी साउंड वेव्स होते साउंड साउंड जो है वो साउंड वेब्स को प्रोड्यूस करता है सो साउंड वेव्स जो पिन्ना के द्वारा ऑरिकल के द्वारा जो जाती हैं सो ये वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व के थ्रू वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व इस्टमुलेट होती है देन वेस्टिबुलर कॉकुलियर नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती हैं वो साउंड वेव्स सो बिच इज इस्टुमुलेट जब वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व स्टमुलेट होती है कैसे वाइब्रेशन के द्वारा मीन्स जो साउंड वेव्स हैं इन जो वाइब्रेशन होता है इसके द्वारा जो वेस्टिबुलर क्लियर नर्व है जब स्टूमुलेट होती है तब ये साउंड वेव्स जो हैं वो एक मैसेज के फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचती हैं सो हेयर इज एयर इज अ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एयर एयर इज़ डिवाइडे टू थ्री पार्ट्स जो एयर होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फर्स्टली एक्सटर्नल एयर मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर फ्रेंड्स हियर यू कैन सी आउटर आउटर एयर एंड इंटर इंटरनल जो हमारा एक्सटर्नल एयर होता है यू कैन सी एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल एयर एंड इनर लेयर सो एयर जो है वो डिवाइड होता है थ्री पार्ट्स में फर्स्टली हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एयर सो एक्सटर्नल ईयर इस कलेक्ट साउंड एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो साउंड को कलेक्ट करता है कलेक्ट करता है बेब्स एंड पास दम इनवर्ड साउंड जो है साउंड 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 वेब्स को प्रोड्यूस करता है सो so साउंड को कलेक्ट करता है एक्सटर्नल ईयर देन आगे की तरफ आगे की तरफ पुश करता है यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं औरिकल ऑरिकल और इट इज़ अ पिन्ना सो ये कलेक्शन में हेल्पफुल होता है पिन्ना जो भी साउंड वेव्स होती हैं यहाँ पे कलेक्ट होती हैं देन ये अंदर की तरफ जो इनवर्ट, अंदर की तरफ ये वेव्स को पास करती हैं एंड uh, the external ear is consists of the auricle and the external acoustic meatus जो so external ear होता है वो auricle means पिन्ना है पिन्ना सो इसको कंसिस्ट करता है एक्सटर्नल ear एंड ऑलर्जी कैनाल ऑलर्जी कैनाल को कंसिस्ट करता है एंड ऑरिकल पिन्ना को मीन्स जो भी ये पार्ट है हमारा जो Hmm. जो आउटर ईयर है मीन्स एक्सटर्नल ईयर है सो एक्सटर्नल ईयर जो होती है वो ये हमारा पिन्ना एंड ऑडर्जी uh, कैनाल इनको कंसिस्ट करता है सो नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द औरिकल मीन्स जो हमारा एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट करता है औरकल मीन्स पिन्ना इसके बारे में जानेंगे वट इज़ अ पिन्ना सो ऑरिकल ईयर और ऑरिकल और पिन्ना इज़ द फ्लैप ऑरिकल जो होता है या बोल सकते हैं पिन्ना ये फ्लैप होता है एंड साइड ऑफ द हेड मतलब हेड के साइड में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक कार्डिलेस ये इलास्टिक कार्डिलेस से कंसिस्ट होता है एंड स्किन से कवर्ड होता है हमारा जो बाहर का जो ईयर होता है वो स्किन से कवर्ड होता है एंड इलास्टिक कार्डिलेस को कंसिस्ट करता है नेक्स्ट इज <coughs> नेक्स्ट इज इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ साउंड जो हमारा साउंड होता है उसको कलेक्ट करने भी करने में भी हमारा ये पिन्ना और इकल मदद करता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ वेब विच इंटर द एयर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ़ पिन्ना मीन्स जो पिन्ना का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो साउंड वेव्स होती हैं वो इंटर करेंगी एंड नेक्स्ट द नेम ऑफ द ऑरिकल इस कॉल हेलिक्स जो ऑरिकल का नेम है उसे हम हेलिक्स भी कहते हैं द इंफीरियर पोर्सन इज कार जो पिन्ना का इंफीरियर पोर्सन होता है इन्फीरियर पोर्शन को हम लेवल भी कहते हैं एंड ये लेवल जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट होता है नाव वी आर डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल अकर्स्टिक मेटर्स मीन्स अरर्जी कनाल यू कनाल सी अरर्जी कनाल इसके बारे में जानेंगे सो अरजी कनाल जो होती है फ्रेंड्स अरजी कनाल कर्व्ड होती है एंड एस सेप्ट की होती है टू पॉइंट फाइव लंबाई होती है एंड द बैक्स लाइक मटेरियल इज प्रजेंट इन कनाल कार बैक्स लाइक मटेरियल होता है वो ये ही कलेक्ट करता है नेक्स्ट इज हेयर्स आर आल्सो प्रजेंट इन द कैनाल इस जो हमारी ऑर्डोट्री केनाल होती है इसमें हेयर्स भी प्रजेंट होते हैं टिम्पेनिक मेमब्रेन इज द थिन लेयर मेम्बरेन सेपरेट द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल ईयर होता है मीन्स एयर कैन से एक्सटर्नल ईयर सो एक्सटर्नल एयर एंड जो मिडल एयर होता है इनको जो सेपरेट करता है मतलब इनको जो अलग अलग करता है वो ये एलमिट जो सेपरेट करता है ये सेपरेट किसके द्वारा होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सटर्नल एयर एंड मिडल एयर को सेपरेट करती है नेक्स्ट इज नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ मिडिल एयर सो अब हम मिडिल एयर के बारे में जानेंगे सो मिडिल एयर इट इज़ अ स्मॉल एयर फील्ड कैपिटी मिडिल एयर जो होती है स्मॉल फील्ड एयर कैबिटी होती है हियर यू कैन सी मिडिल एयर एंड नेक्स्ट इट इज़ अ प्रजेंट इन टेम्पोरल बॉन्ड ये टेम्पोरल बॉन्ड में प्रजेंट होता है मिडिल ईयर द कैबिटी इज लाइनड विद सिंपल स्क्वाइमस और क्यूबरडल एपिथीलियम जो कैबिटी होती है वो लाइनड होती है विथ सिंपल स्क्वाइमस एंड क्यूबोडल एपिथीलियम से नेक्स्ट इज इट इज सेपरेटेड फ्राम एक्सटर्नल ईयर फ्राम द ईयर ड्रम मेमब्रेन एंड जो हमारा मिडल ईयर होता है हेयर यू कैन सी मिडिल ईयर जो होता है वो सेपरेट होता है ईयर uh, ड्रम जो हमारा ईयर ड्रम हेयर यू कैन सी ईयर ड्रम ये ईयर ड्रम होता है ये हमारे मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करता है नेक्स्ट इज द रूफ एंड फ्लोर आर फॉर्म बाय टेम्पोरल बोन जो रूफ एंड फ्लोर होती है वो टेम्पोरल वोन के द्वारा फॉर्म होती है नेक्स्ट द इंटीरियर वॉल ऑफ द मिडिल लेयर कंटेन ओपनिंग जो इंटीरियर वॉल होती है वो, ए, वो एक ओपनिंग को कंटेन करती है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिडिल लेयर है वो एक ओपनिंग बना रही है एक ओपनिंग बना रही है हेयर सी जो हमारा मिडिल लेयर होता है वो एक ओपनिंग बना रहा होता है सो so, uh, जो एंटीरियर uh, बॉल होती है वो एक ओपनिंग कंटेन करती है दिस ओपनिंग इज डायरेक्टली लीडिंग द अलर्जी ऑथोसियन टेक ये ओपनिंग जो होती है वो डायरेक्टली अलर्जी यानी कि ऑथोशियन में डायरेक्टली लीड करती है नेक्स्ट इज द अलर्जी ट्यूब इज लाइनड विद बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज जो अलर्जी ट्यूब होती है वो हाइलिन कार्टिलेज से लाइनेड होती है नेक्स्ट इज इट करने इट करने मिडिलयर विद ने फैरिंग सी ए मिडिल ईयर विदो नेरिंग से कनेक्ट रहता है नेक्स्ट इज द अडिट्री ट्यूब मेंटेन्स द प्रेशर बिटवीन एक्सटर्नल एयर इंटरनल सर्फेस सो दैट सो इट प्रिवेंट द रैप्चर ऑफ द मेमब्रेन जो अडिट्री ट्यूब होती है ये प्रेशर को मेंटेन रखती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेस में टिम्पेनिक मैमब्रेन की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस के बिटवीन का जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करती है जिससे क्या होती है ये रैप्चर ना हो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे टिम्पेनिक मेमब्रेन के बारे में सो टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन टिमपेरिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो थ्री थ्री स्मॉल बोन को कंसिस्ट करती है जिसे ऑर्डिट्री ऑसिकल्स बोलते हैं फ्रेंड्स जो ऑर्डिट्री ऑसिकल्स होती हैं वो दीज आर थ्री वेरी स्मॉल थ्री बहुत ही छोटी बोन्स को कंसिस्ट uh, करती हैं यहाँ पे आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स और एक द मिडिल ईयर ये मिडिल ईयर में ही है हमारा टिम्पेरिंग मेमब्रेन सो टम्पेनिंग मेम्ब्रेन टू द ओपन विंडो नेम अकॉर्डिंग टू दियर्स स्टेप्स जो रिर्जी जिस बोन को कंसिस्ट करता है उन बोन के जो नेम्स होते हैं वो उनकी सेप के अकॉर्डिंग होते हैं फर्स्ट इज मेलस जो मेलस होती है एंड सेकेंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टेप्स ये तीनों बोन को कंसिस्ट करता है अरचिओसिकल अर्चिय ये बोन होती हैं और इन तीनों बोन्स को टिम्पेनिंग मेमरिन कंसिस्ट करता है फ्रेंड्स हेयर सी मिडिल लेयर मिडिल ईयर में ही ये स्टाप्स एंड मेलस होती हैं सो फर्स्टली मेलेस मेलेस जो होती है स्मॉल सेप्ट बोन होती है एंड हैंडल इज अटैच टू द इंटरनल सर्फेस और जो इसका हैंडल होता है वो इंटरनल सर्फेस टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के इंटरनल सर्फेस पर अटैच होता है एंड हेड अटैच टू द बॉडी ऑफ इनकस एंड जो हैड होता है वो इनकस की बॉडी से अटैच होता है नेक्स्ट इज इनको फ्रेंस इनकस तो होती है वो मिडिल मिडल होती है एंड अनेबल सेप की बोन होती है जो कि हेड ऑफ स्टेप से अटैच यानी कि आर्टिकुलेट होती है थर्ड इज स्टेप्स फ्रेंड्स जो स्टेप्स होती है स्टेप्स uh, को हम सबसे छोटी बोन भी कहते हैं ये सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेप्स होती है दिस इज स्टेप सेप ये जो इसका सेप होता है स्टेप्स को वो स्टेप स्टेप होता है ऑन दिस ऑन इट्स हेड आर्टिकुलेट विद द इनकस और जो हेड होता है स्टेप्स का वो इनकस से आर्टिकुलेट करता है अटैच रहता है नाव वी आर डिस्कस अबाउट इनर ईयर सो आज सो अब हम जानेंगे इनर ईयर के बारे में सो इनर ईयर द इंटरनल इनर ईयर सालसो कार एज लिफर इंथ लेवी जो इंटरनल ईयर होता है इसे हम लेवी भी कहते हैं एंड इट इज द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस इनर ईयर जो है ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है एंड बैलेंस को भी मेनटेन करता है फ्रेंड्स ईयर यू कैन सी इनर ईयर इस पोर्शन को हम जो है इनर ईयर बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ये जो इनर ईयर होता है वो टू पार्ट्स को कंसिस्ट करता है बोनी लेवरिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेवरिंथ फ्रेंड्स जो बोनी लेवरिंथ होती है इट इज़ अ कैबिटी इन द दैट्रस पोर्शन। ये जो कैबिटी होती है पैट्रस पोर्शन की होती है जो कि टेम्पोरल बोन में होती है एंड इट कंटेंट फ्लूट कॉल्ड पेरीलिम्प बोनिल एवरिंथ जो होती है वो जो फ्लूड कंटेन करती है उसे पैरलि कहते हैं द बोनी एवरिंथ कंसिस्ट ऑफ जो बोनी एवेरिंथ है वो वेस्टिबुल कॉकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनल को कंसिस्ट करती है फ्रेंड्स फर्स्टली देख लेते हैं वेस्टिबुल क्या होता है सो वेस्टिबुल जो होता है ओवल सेंटर पोर्शन होता है बॉनिले एवेरिंथ का एंड ये ऑर्ट्राइट एंड सर्क्यूल को कंटेन करता है ओवल एंड राउंड पिंडो आर प्रजेंट इन दैटरल वॉल एंड ओवल एंड राउंड पिंडो जो होती हैं इसकी लेटरल वॉल पर प्रजेंट रहती हैं नेक्स्ट इस कॉकलिया के बारे में जानते हैं सो कॉकलिया जो है दिस इज दिस पार्ट ऑफ बॉडी लेवर जो बॉडी uh, लेवरिन होता है इसका ही एक पार्ट है कॉकलिया इन्वॉल्व इन हेयरिंग ये जो है हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है दिस रिज एम दैल इसका जो है शेप जो स्नेल की तरह इसका शेप रहता है कैन सी कॉकलिया सेम अब देखते हैं फ्रेंड्स in सेमी सर्कुलर कैनाल दिस इज इन्वॉल्व इन बैलेंस सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो बैलेंस में इन्वॉल्व होती है नाउ वी आर डिस्कस सो मेम्ब्रेनियस मेमरेनियस द फ्लूड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन में फ्लूड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं इंडोलिम्फ जो मेमरीनियस लेवर का जिस जो फ्लूड प्रेजेंट रहता है उसे इंडोलिम्फ बोलते हैं दिस इज चार्ज लाइक सैरेब्रो स्पाइनल फ्लूड ये ऐसा फ्लूड होता है जैसे सैरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है वैसे ही इंडोलिम फ्लूड भी होता है सो फ्रेंड्स आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू सो थैंक्स फॉर वॉचिंग